हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी और आपराधिक घटनाओं में नंबर वन बनता जा रहा है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। पानीपत के गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजित समागम में शिरकत करने से पहले हुड्डा सोनीपत के सुखदेव ढाबे पर पहुंचे थे। हुड्डा के साथ इस दौरान कांग्रेस के 14 विधायक भी थे। इस मौके पर हुड्डा ने पहले विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बढ़ती बेरोजगारी और अपराध को लेकर हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया। मनाया जा रहा है कि जो गुरु तेग बहादुर का बलिदान और सारे गुरुओं का जो बलिदान है वो पूरे उसमें उनके बराबर की कोई वो नहीं है, इतना बलिदान का है। आज बड़े खुशी की बात है कि हरियाणा मना रहा है और पूरा देश को मनाना चाहिए। कोई एक उसके नहीं गुरु नहीं थे, वो पूरी मानवता के थे, मानवता के लिए लड़े। और जिस प्रकार से जातियाँ हो रही थी या धर्म में कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादी थी, वो समाज में भी बदलाव लेके आए गुरु तेग बहादुर जी। उनका नाम सदैव सदैव रहेगा। हरियाणा में क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। दो दिन पहले सोनीपत कोर्ट में फायरिंग हुई, एक शख्स की हत्या कर दी गई। हरियाणा सरकार है वो क्या क्राइम पे कंट्रोल नहीं लगा पा रही? ये विफल सरकार है। जो हरियाणा 2014 में नंबर एक था प्रति व्यक्ति आय निवेश में, आज बेरोजगारी में, अपराध में और महंगाई में नंबर एक हो रहा है। दरअसल हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी बैंक में लूट तो कभी कोर्ट में मर्डर। ऐसी घटनाओं में न केवल कानून की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि सरकार भी सवालों के कटघरे पर खड़ी की जा रही है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।